गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक नए भूतिया चेहरे के साथ। भूतिया क्यों चेहरा बोल रही हूँ, क्योंकि अभी नहा धो के जस्ट मैं रेडी नहीं हुई हूँ, अच्छी तरह से आ गई हूँ आपके साथ, क्योंकि कल का व्लॉग तो हुआ नहीं। बैकग्राउंड देख के आपको पता चलेगा ये है पापा का घर, और पापा का घर नहीं, मेरा ही घर सेकेंड है, क्योंकि मम्मी गुस्सा आ जाती है जब बोलती हूँ पापा का घर है, बोलते हैं कि मेरा ही घर। तो जिन लोगों ने इस घर के रूम टूर के बारे में कहा था उनको मैं बाद में कल दिखाऊंगी, जाने से पहले कल मैं जा रही हूँ यहाँ से। और मेरे अपने घर का रूम टूर के बारे में भी कई लोगों ने पूछा है, तो मैं कल घर जाऊंगी, उसके बाद परसों दिखाऊंगी मेरा घर, और कल यहाँ से जाऊंगी इस घर का टूर देकर। बृहस्पति यानी थर्सडे मैं यहाँ पर थी, तो बर्थडे ब्लॉग पार्ट टू शेयर किया, क्योंकि इतना सारा एक वीडियो के अंदर इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं था। और रही बात फ्राइडे की, तो फ्राइडे और आज है सैटरडे, दोनों दिनों के कार्यक्रम को इसी ब्लॉग में इंक्लूड करने की कोशिश कर रही हूँ, बने रहिए देखने के लिए। तो अभी बाल बाल बना रही हूँ और भूत से इंसान बनने की तैयारी चल रही है मेरी, ठीक है। और यहाँ पे मैं हूँ, तो मंगल को मैं यहाँ पे आई हूँ और आज शनिवार है, कल जाऊँगी घर। आज ही जाने वाली थी पर जाना नहीं हुआ, तो कल जाऊँगी। तो सारे डेज चले जा रहे हैं, यानी मेरे बर्थडे के दिन रोज डे था, उसके बाद प्रपोज डे था, चॉकलेट डे था, प्रॉमिस। सुमन जी कह रहे हैं कि मैं अकेले ही सारे दिन को अपना कवर कर रहा हूँ, तो मुझे बिताने पड़ रहे हैं अकेले, इसलिए कल मैं पॉजिटिवली यहाँ से जाऊँगी ही। बर्थडे के बाद वाले नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ये बचा हुआ केक इतना सा है, और पतिदेव जाने के लिए तैयार। और ये है मेरे मायके का खाना, मम्मी के हाथ का बना हुआ, जिसमें है प्लेन राइस और आलू की भाजी है, मटन है, मटन ग्रेवी, मटन मसाला भी बोल सकते हैं, फिश कालिया, मच्छर कालिया बोलते हैं इसको, और मूंग की दाल है। तो ये बना है मेरी मम्मी के हाथ का खाना, काफ़ी दिनों के बाद खा रही हूँ मैं। और मम्मी इधर दही बना हुआ है लाए हैं, तो इसको परोसेंगी। और ये है अनन्यास मल्टी क्विजन रेस्टोरेंट दुर्गापुर से, जो कॉम्प्लीमेंट्री 1 pound चॉकलेट केक मेरे लिए मेरे बर्थडे में दिया था इन लोगों ने, तो इतना खा चुके हैं हम लोग, बाकी का भी रखा हुआ है, देखें किस तरह से इसको ख़त्म किया जाए, या फिर सुमन जी के लिए ले जाऊंगी मैं घर पे। सो गाइस, मैं शेयर कर देती हूँ मैक्सिमम गिफ्ट्स क्या क्या मिले हैं इस साल मुझे बर्थडे में। तो इसको अभी हाल ही में मैंने अनपैक किया है, और देखते हैं इसके अंदर में क्या है। तो ये बहुत अच्छी सी एक क्रॉकरी सेट है, ऐसी वाली जो कि इस तरह के एक बॉक्स में आई है, ओके। और ये देखिए इसके अंदर से इस तरह का क्रॉकरी सेट है, ऐसा एक बड़ा वाला जार है, और ग्लासेस है, ऐसे प्रिंट वाले ग्लासेस है, जो कि मुझे तो बहुत ही पसंद आया है, बड़ा ही खूबसूरत सा क्रॉकरी सेट दिया है किसी गेस्ट ने। गिफ्ट नंबर 2 इस तरह का है, तो इसे भी अनपैक करते हैं। ये इस तरह की एक वॉल क्लॉक आई है, ये मेरे बहुत ही क्लोजेस्ट फ्रेंड ने दिया है, तो वो बचपन से ही मेरी बहुत ही क्लोज रही है, ऐसा वाला एक वॉल क्लॉक है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये कुछ ड्रेस आइटम आई हैं, ये भी किसी गेस्ट ने गिफ्ट किया था मुझे। इसके अंदर इस तरह का ड्रेस है, ये ऐसा वाला टॉप है, क्रॉप टॉप से थोड़ा सा लंबा एक टॉप है, पिस्ता कलर में, बहुत ही सॉफ्ट एंड सपल मटेरियल में है, तो ये बहुत ही अच्छी वाली एक टॉप है जिसको मैं रेगुलरली यूज़ कर सकती हूँ। ये एक और गिफ्ट है पूजा आइटम की,
मुझे पूजा पाठ में इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो इसलिए पूजा आइटम की गिफ्ट मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इसमें से बप्पा आए हैं मेरे घर पे फिर से हैप्पी न्यू ईयर में। सुमन जी बहुत ही कॉस्टली वाली 16,000 की मूर्ति लेकर आए थे, और ये बप्पा आए हैं मेरे बर्थडे में, गणपति बप्पा मोरिया, सिल्वर के बप्पा है, बहुत ही खूबसूरत सी गिफ्ट आइटम है ये। कुछ लोगों ने और मेरे सब्सक्राइबर ने इस तरह के एनवेलप में पैसे दिए हैं, ठीक है। एक और गिफ्ट है ऐसा वाला, ये मम्मी पापा लोगों ने दिया है, तो ये बहुत ही गॉर्जियस लहंगा है, इस तरह का गॉर्जियस बहुत ही खूबसूरत सा लहंगा है। और इसके साथ में ऐसा सेम ब्लाउज है, ये ब्लाउज को बनवाना है, अनस्टिच ब्लाउज है, और इस तरह का लहंगा है, बिल्कुल हेवी वर्क किया हुआ टील ग्रीन में गॉर्जियस लहंगा है। एक और इस तरह की ड्रेस मटेरियल आई है गिफ्ट में, इसको मैंने अनपैक करके ट्राई भी कर लिया था इसलिए खुला हुआ है, तो ये इस तरह का गाउन है, ये पिस्ता कलर में ऐसा वाला मिरर वर्क किया हुआ, बिल्कुल ऐसा वाला गाउन है लंबा वाला। होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये क्या है, गाउन ही है, नेट मटेरियल की गाउन है। और जिस रेस्टोरेंट में हम लोगों ने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी उनके तरफ से, अनन्यास मल्टी क्विजन रेस्टोरेंट दुर्गापुर की तरफ से ऐसा वाला मोमेंटो मुझे दिया गया है, एज अ व्लॉगर उन्होंने मुझे ऑनर किया है। दिस इज द बेस्ट गिफ्ट आई गॉट दिस ईयर। और मेरे बर्थडे ड्रेस के बारे में जिन लोगों ने पूछा था तो उनको मैं शेयर कर दूं कि वो एक पिंक कलर का गाउन था जिसको सुमन जी ने मुझे दिया। ये मिरर वर्क किया हुआ ऐसा वाला सिल्क रेयन कपड़े का गाउन है।